सो ईद के लिए न्यू बेडशीट वगैरह बिछाते हैं। तो मैंने लेशेस भी लगा रही हैं। मैंने जो अपने घर दावत की थी ना उसमें मैंने सज्जी भी बनाई थी, बारबेक्यू भी किया था, तो उसके क्लिप भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पे शादी वगैरह के कपड़े लगे हैं। आज है जी ईद का सेकंड डे, तो पहले मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट डे नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज करती हूँ। मैंने कम्फर्टर मंगवाया था बेड के लिए, मैंने आपको दिखाया भी था कि ईद वाले दिन मंगाऊंगी। इससे ना आपका बेड बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। पैकिंग भी इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और जब इसको बिछाते हैं तो इतना प्यारा बाउंस जाता है ना बेड। जल्दी से इसको खोलती हूँ, उसको बिछाती हूँ बेड के ऊपर, उसके बाद बेड पर बिछाते हैं बेडशीट, फिर घर की सफाई करते हैं। डस्टिंग वगैरह तो हर चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सिर्फ फर्श की क्लीनिंग रहती है। इसके ना चारों तरफ प्लास्टिक लगा हुआ है और इसका जो पाउच है मैंने ये भी संभाल दिया क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अभी मैंने टेम्प्रेरी दूसरी बेडशीट बिछाई है, बाद में बेडशीट चेंज करते हैं। ओके जी, तो कमरा देखना साफ सुथरा हो गया है, बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, इसके ऊपर मैंने ब्लैंकेट डाल दिया प्लम कलर का और बेडशीट मैंने ये वाली बिछाई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे ये। अब देखिए इसका प्रिंट कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार, इतना प्यारा इसका प्रिंट है ना, जैसे 3D प्रिंट होता है वैसा, इतने प्यारे फ्लावर और लीफ बने हुए। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, स्टफ़ है देखें, जो कि गंदा भी नहीं होता जल्दी, उस टाइप का स्टफ़ है। तकिए लगा दिए साथ मैचिंग के, मैंने वो लगा दिए हैं कुशंस वगैरह, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। कर्टन्स मैंने वॉश करके वापस लगा दिए थे। अब देख लें घर की सफाई होगी क्योंकि वापसी पे ना वकास की अम्मी अबू ने आना हमारे साथ, उन्होंने रहना हमारे घर 3-4 दिन क्योंकि दावतों पे जाना होता है। फिर आपको पता है यूसफ भी नहीं है, फिर कन्वेंस का इशू होता है, फिर मैं अपनी तरफ ले आती हूँ, कहीं भी जाना तो हमारे साथ ही चले जाएँ। और बाहर वाले सोफे का मैंने ये किया है कि यहाँ पर मैंने पर्पल कलर का एक मेरे पास बेड फिटेड शीट थी, मैंने वो चढ़ा दी है इसके ऊपर, और ये वाले कुशंस 3 पड़े हुए थे मेरे पास, तो कुशन कवर पर मैंने ये वाले कवर चढ़ा दिए, तो कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग देखेंगे। अभी हमने ईद के बाद घर का पेंट वगैरह भी करवाना है क्योंकि अभी तक हमने घर पे जो है ना बस सिर्फ चूना ही करवाया है, कोई पेंट वगैरह जैसे प्रोफेशनल जो होता है वो नहीं करवाया। अब मैंने कहा वकास को कि वॉशेबल पेंट करवा दें जान छूटे, ताकि बच्चे कोई लाइन वाइन भी मारे ना तो ये वॉश हो जाए। सो ये हो गई सफाई। ऊपर के सोफों के कवर चेंज किए वो भी दिखा देती हूँ आपको, मैंने कहा पहले नीचे से दिखा देती हूँ, चलो ऊपर चलते हैं ठीक। सो ऊपर वाले सोफे मैंने ये ब्राउन कलर का कवर चढ़ाया है, मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको, एक कंबल रखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि किसी को सर्दी लगेगी तो वो पहन लेगा। ओफ पता नहीं सांस ही फूल जाता है यार, मेरा वीकनेस है क्या चक्कर है। और ये वाले ग्रे कुशंस कवर थे मेरे पास तो ये चढ़ा दिए। सो ये देख लें ये भी साफ़ सुथरा हो गया एरिया। और ये जो कवर है ना ये जर्सी फिटेड है, नहीं सॉरी जर्सी फिटेड नहीं है, ये टेरी कवर है, टेरी बोलते हैं इसको, मतलब इसका स्टफ ऐसा होता है सतह जैसे वेलवेट का कवर चढ़ा हुआ हो, और ये सोफ़ा पे प्यारा भी लगता है, डर्टी नहीं लगता। तो ये हो गया हमारा काम ख़त्म इसका भी। अच्छा इन सब के लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी ने लेने हो तो जाके बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं आई मेरी। जैसे ठंड वापस से स्टार्ट हो गई है, हालांकि मैंने रजाइयाँ वगैरह रख दी थी सारी, फिर मैंने ये अगेन निकाला है कम्फर्टर ओढ़ने के लिए क्योंकि सर्दी लगती है। फिर रात को इस कमरे की बेडशीट भी चेंज नहीं की मैंने, बच्चों वाले कमरे की भी नहीं की है चेंज, मैंने कहा सब ये जो बिछी हुई है ठीक है, जिस दिन दावत होगी उस दिन देखूंगी चेंज करनी है तो कर दूंगी, अदरवाइज़ नहीं करूंगी, बस यहाँ से चीज़ें समेटते ताकि यहाँ का काम खत्म हो। बेडशीट चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने धोके डाली थी जब उम्र से आई थी, देखें साफ़ सुथरी है, एक दाग भी कहीं नहीं लगा हुआ, बस इसी को सीधा करके बिछा देंगे। कर्टन साफ़ सुथरे हो गए हैं, कर्टन साइड पर कर देते हैं, बड़ी प्यारी हवा चल रही है और इसको साइड पर कर देते हैं। फर्स्ट डे तो बहुत बारिश थी, शुक्र है कि आज बारिश नहीं है और बंदा सुकून से कहीं जा तो सकता है ना। सो ये देख लें ये हो गया हमारा रोशन हवादार कमरा। आज का जो ड्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा लगी होती है, स्कर्ट पहन सकती, ये प्राइमर हाली हो गई। ये देखिए मैंने लेशेस भी लगा रही है मरियम परवेज की पार्टी, और मेरी लिपस्टिक फेल गई थी, अब हमने साफ करके अगेन लूज पाउडर लगाया है। मिनीसो का लाइनर महंगा है बट अच्छा बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चों मैं चाची घर आ गई हूँ, मुझे फाइनल लुक रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा, और बेस देखना और ड्रेस में कैसे दिखाऊँ आपको, शीशे में दिखाती हूँ। ऐसे फ्रॉक है पूरा, ये डबल हेयर वाला, ये मुझे वैसे PR में आया था, मैंने खरीदा नहीं था ये, मैंने कहा चाची नसीम के घर में पहन सकती हूँ, और किसी घर पहन गई सबने बोला शादी भी आई है तो चाची नसीम घर में पहन कर आई हूँ। विशाल तुमने कल कितनी अच्छी रील बनाई थी मेरी, मैंने लगाई है वो इंस्टाग्राम पे देखी है। इतना लेट हो गए कि शायद बच्ची को लेके फन हाउस चला गया या पहले गया हुआ है, ये लोग अभी आए। छत में दही बल्ले बनाया, मुझे भूख इतनी लगी हुई है, खाते हैं भला। आज आपने चना चाट खानी है, डाल दो आपके लिए, मैं डाल के देखिए अपने बेटे को, नहीं मैं अपने बेटे को खुद डाल के दूंगी, तुम खुद खाओ अपने लिए बल्ले। बच्चे चाची घर पे बनाई है, हाँ।
फिर जी हम लोगों ने खाया था खाना, दही भल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैंने 2-3 दफ़ा डाल के खाए हैं। खाने में कबाब थे, चावल थे, मटन का सालन था, चिकन का सालन था, सेवैयाँ भी चाची ने बहुत डिलीशियस बनाई हुई थी, राइस आपकी शक्ल ही बता रही कितनी अच्छी थी। और हम सारे जब इकट्ठे होते हैं ना माशाल्लाह, मेरी मेरे इन लॉज के साथ बहुत बहुत ज़्यादा, हम सब की वैसे आपस में बहुत जमती है, बट मेरी तो खैर बहुत ज़्यादा जमती, चाची हूँ, ताया बो, सब के साथ सब बहुत इज्जत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, ईद हो, कोई खुशी गमी हो तो सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। मैं कहती हूँ यार मेके के साथ सब वीडियोज़ शेयर करते हैं, बट ससुराल के साथ भी प्यार दिखाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन ना जो लड़कियां हमें देखती हैं ना, तो उनको इस चीज से भी सीखने को मिले कि यार ये लोग देखें अगर यूट्यूब पे काम भी कर रहे हैं ना, फिर भी ये लोग अपने ससुराल को भी निभा रहे हैं, मेके को भी निभा रहे हैं, हर रिश्ते को इज्जत और वैल्यू दे रहे हैं। देखें ओके, अभी हम लोग तो खाना खाने लगे हैं, बिल्कुल साथ ही बैठे हैं, कबाब ऐसे बनाए हैं जो भूखे खाने वाले होते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? बिलाल बिलाल लोटा लगा, मुझे बताओ आपने कौन सी, बिलाल लोटा लगा, सही से बैठ जाओ, सही से बैठो ना, कैसे बैठे हो बेबी, ऐसे बैठते हैं, नमाज पढ़ने आए हो, वेरी गुड, नाइस बेबी। नवाल इतनी गंदी है ना, गंदे अंकल ले गए, गंदी नवाल नाक से आप निकल ही नहीं था। अरमिश देखते हैं कि कितनी आपने कैसी लग रही हो आप, अच्छी लग रही है। मैं लग रही हूँ कुछ ऐसी, और मैंने साथ में ना ये बीड्स वाला पर्स कैरी किया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे अपने हाथों से बना के भेजा था। हम कमर्शियल आए और चमन ना जाएं, तो हमारे ना पिंडी में दो फेवरेट स्पॉट हैं, चाचा नसीम का घर फिर चमन। मैं बोलती हूँ चमन मेरी पहली मोहब्बत है, जब मेरा निकाह हुआ था वो कहा सबसे पहले मुझे चमन खिलाने लाए, तब से मैंने चमन अच्छे शुक्र अच्छी याद है, हमेशा याद रहे, बस अभी यही एक अच्छी याद है, सिलाव कुछ नहीं, बहुत सारी यादें याद है, ये छोटी छोटी। फिर जी सबकी आइसक्रीम आ गई और सबने बैठ के आइसक्रीम खाई, जिसको जो जो फ्लेवर पसंद है। ये वकास के चाचू हैं, तन्वीर चाचू, और वकास साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, चाची नसीम के हस्बैंड है ये, और हम सब साथ थे, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। अब्दुल कादिर ने जी है, मैं वकास टीवी बंद नहीं करेंगे बच्चों, आप लोग बोलते हो हस्बैंड बहुत साथ देता है, ये साथ देते हैं हस्बैंड सीधे मेरे फाउंडेशन अभी तक एज इट इज ही है, और मैंने अपने कर्ल किया था, बट ये खुल गए हैं कर्ल, जो मैंने अपनी दावत वाले क्लिप थे ना वो मैंने इसमें सभी रिमूव कर दिए। मैंने सब्जी बनाई थी एयर फ्रायर में, बारबेक्यू किया था, क्योंकि ना मैंने कहा फिर से ना घिच पिच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तायाब के घर का क्लिप मैंने बिल्कुल छोटा सा रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उनके घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, मतलब उनके मेके वाले भी थे, फिर उनका दाद के भी सारे थे, नान के भी आए हुए थे, मामियाँ भी आई हुई थी, तो वहाँ पर मैंने मोबाइल इतना यूज़ नहीं किया। चाची घर भी आपको पता है, थोड़ा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया कि बस दिखाऊँ चलो क्या है खाने वगैरह में। सो वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि मैं अक्सर शेयर करती हूँ जब ससुराल वगैरह में कोई दावत वगैरह हो, कि मेरे घर में कैसी होती है दावत, और जब हम जाते हैं तो उससे ये होता है कि आप लोग बोलते हो कि क्यों ये तरह की चीज़ें दिखाते हैं हम लोग। सो मैं तो इसलिए दिखाती हूँ कि जो लड़कियाँ मुझे देखती हैं ना, बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हुई हुई, या जो ऐसे लोग भी देखते हैं कि जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, तो लोग मोस्टली ऐसा करते हैं ना, मेके वालों के साथ बहुत निभाते हैं बट ससुराल वालों के साथ नहीं निभाते, तो मेरे भी ऐसा होता है। वैसे ना मेरे ससुराल में जो थोड़ी बहुत ऊँच नीच हो जाती है ना, वो सच में मेरे देवर के अलावा किसी बंदे से नहीं होती, सिर्फ मेरी उससे होती थी, अब तो खैर वो भी बाहर चला गया, तो वो देवर भाभी की आपको पता हो जाती है कोई ना कोई बात पर बहस। लेकिन ऐसा होता है कि यूसुफ अक्सर जो है वो फिर माफ़ी मांग लेता है, वो उसका एहसास हो जाता है कि भाभी मैं गलत था, कभी मैं उससे बोल देती हूँ अच्छा भाई मैंने ज्यादती कर दी, चलो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो हमारा सॉर्ट हो जाता है। हम कभी भी ना उस चीज़ को इशू नहीं बनाते और खींचते नहीं है उस चीज़ को, और मुझे हमेशा मेरी अम्मी ने शुरू दिन से कहा है कि ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारी बहन है, यही तुम्हारा घर है, तो तुम लोगों ने ऐसे ही देखना है, तुम्हारा घर है ये लोग, तो हम ऐसे ही देखते हैं। कि मुझे होता है कि यार अगर कभी कभार जैसे होता है सास ससुर भी ज्यादती कर जाते हैं या हम लोग भी ज्यादती करते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स होते और वकास होते उनकी जगह, तो वो क्या करते, अगर वो ऐसे करते तो मुझे कैसा लगता, तो फिर ये चीज़
सोच के जो है वो हम लोग मामला को सेटल कर लेते हैं। तो पता है एक दो दफ़ा मैंने शेयर भी कर दी थी पुरानी बात है कि मैंने ये चीज़ें फेस की, तो उस पर मुझे मेरी अम्मी से बहुत डांट पड़ी थी कि खबरदार तुमने कोई आइंदा इस तरह की कोई भी चीज़ शेयर की कि उसकी अम्मी अबू हैं कहा कितना बुरा लगता। पता है उसके बाद मैंने कभी आज तक कोई पर्सनल चीज़ शेयर नहीं की और अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े कोई मसले भी नहीं थे। जो मैंने पुरानी चीज़ें भी शेयर की थी वो इसलिए की थी कि लोग मोटिवेट हो, उनको पता चले कि यार इतनी सब चीज़ों से मैं गुजर कर आई हूँ, फिर उसके बावजूद भी मैंने कभी ये कोशिश नहीं की मैं बदतमीजी करूं या घर आए तो इज्जत ना करूं, बड़े हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए और जो उनका मकाम है उनको देना चाहिए और जो लड़कियां देख रही हैं उनको भी ये सीखने को मिले कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप सोशल मीडिया पे आ गए आप स्टार बन गए आप लाखों कमाने लग गए तो आप जो आपके रिश्ते हैं उनकी वैल्यू भूल जाए। तो वो वैल्यू तो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी और हमारी नस्लों में भी जाएगी वो इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे आप लोगों से ही सीखते हैं, हमसे ही सीखते हैं। जैसे हम इज्जत करेंगे हमारे पेरेंट्स के, हमारे बच्चे भी वैसे करेंगे। सो जो मेरा वाला जो दावत का क्लिप है वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें मैंने कुकिंग रिकॉर्ड की हुई है, तो वो मैं आपको कल शेयर करूंगी, तो वो आप कल वाले ब्लॉग पे देख लेना, ठीक है? नाराज नहीं होना। मैं बस जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए, कितना अच्छा पीछे से लग रहा है देखें। अभी मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए और बाकी कैरियर इनके सारे प्रोडक्ट्स का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप लोग वहां से जाकर इनके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। मैंने अपने कोड पे आप लोगों के लिए पहले 10% ऑफ था, अब 20% ऑफ लगा दिया, कोड है Natasha20। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज लिखी होती है, वीडियो का जो टाइटल होता है जब आप उस पर क्लिक करते हो तो सारे लिंक्स खुल जाते हैं जो वीडियो में चीजें यूज की गई हों, प्रोडक्ट्स दिखाए गए हों आपको, सो आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो। सो आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।